लेकिन राजस्थान में दो बार इलेक्शन थे और दोनों में हमारी अच्छी परफॉर्मेंस रही। एक हम 30-35 हज़ार से जीत गए, दूसरी सीट भी हम लोग जीती हुई मानते हैं हमारे दृष्टिकोण से। 57 हज़ार धारे हुए थे हम लोग लागू खेवशर के अंदर, लगभग 4 हज़ार थे हमारे। तो एक पॉलिटिकली बाई इलेक्शन, दोनों सीटें बीजेपी की थी, वो बीजेपी या आरएसपी की थी, उसमें जीतना मायने रखता है। तो एक एक कायदा होता है कि जब पहली बार मिले तो बताएं भाई बाई इलेक्शन में हम लोगों ने विजय हासिल करी होगा। दूसरा जो परफॉर्मेंस हुई पूरे देश के अंदर कांग्रेस की, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, बेटर हुई है, बहुत बेटर हुई है। जो पार्लियामेंट चुनाव थे उसकी तुलना में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हुई और कार्यकर्ता उत्साह है। सोनिया गांधी की लीडरशिप के अंदर वापिस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है, इस प्रकार से वो विजिबल है सबके सामने। सोनिया जी ने जो प्रोग्राम दिया है 5 नवंबर से पूरे देश के अंदर, उसको लागू करना किस रूप में, कि जो आज हालात देश में है वो बहुत गंभीर है। जो एक्सपर्ट है वो समझते हैं बात को, आर्थिक व्यवस्था कॉलेप्स हो रही है, स्लो डाउन हो रहा है, उसका फॉलोआउट क्या है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है देश से, कृषि में उद्योग में गिरावट आ रही है, नौकरी लगने की बात छोड़ दीजिए, नौकरी जा रही है, तो आज लोगों की भूखे मरने की नौबत आ रही है और ये चिंताजनक स्थिति देश की है। कांग्रेस की कांग्रेस अध्यक्ष जी ने टाइम पे कदम उठाए और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, जिला कांग्रेस कमेटी को प्रोग्राम दिया है फ्यूचर के लिए। तो एक एक्टिविटी शुरू हो गई है और विपक्ष की भूमिका निभाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है। अगर सत्ता पक्ष की भूमिका है तो विपक्ष की एक भूमिका होती है, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। हालांकि मोदी जी चाहते हैं कि समाज कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और मैं कई बार कहता हूँ 5 साल से कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले खुद मुक्त हो सकते हैं, कांग्रेस इस मुल्क से कभी मुक्त नहीं हो सकती है। कांग्रेस इस देश के DNA के अंदर है, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर क्षेत्र, सबके DNA के अंदर कांग्रेस बसी हुई है। इसलिए कांग्रेस की भूमिका रहेगी और हम सब मिलकर के एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे और डेमोक्रेसी को जो खतरे पैदा हो रहे हैं उसके लिए हम लोगों की भूमिका यही रहेगी, कैसे लोकतंत्र बचाएं, और लोकतंत्र बचाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा संघर्ष, हमारा धर्म भी कहता है, हमारा ईमान कहता है, हमारा कर्तव्य कहता है, हम देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दें, उस रूप में हम काम करना चाहेंगे। और ये हमने कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी को विश्वास दिलाया है कि राजस्थान की तरफ से कोई कमी नहीं आएगी, हम सब मिलकर राजस्थान के अंदर, चाहे पार्टी संगठन हो चाहे सत्ता हो, सब मिलकर के हम आपके आशय अपेक्षा के अनुरूप काम करेंगे और राजस्थान को तेज गति से विकास के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ाएं, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी, मैंने कहा है। सर, प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों, मंत्रिमंडल विस्तार या राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कोई चर्चा हुई? ये तो जब जरूरत होती तो AICC के महामंत्री की ड्यूटी है कि वो बात करे बातें, हम तो अपनी बात कहते हैं कि सत्ता और संगठन मिलकर काम करते रहेंगे और राजस्थान के विकास के अंदर हमारी भूमिका सबकी क्या हो उसको आगे बढ़ाएंगे राज्य के हित को देखते हुए। बसपा छोड़कर जो 6 विधायक आए थे उनका सदस्यता का इंतजार लंबा हो गया है, ज्वाइनिंग ऑफिशियल ज्वाइनिंग कांग्रेस की? मुलाकात तो करवाएंगे क्योंकि सब व्यस्त हो गए थे। अविनाश पांडे जी क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, इसलिए वो मिला नहीं पाए होंगे। ये काम हाईकमांड के प्रतिनिधि जो महामंत्री ऐसी जो होते हैं प्रभारी राज्यों के, उनकी ड्यूटी है कि वो जब कोई ऐसे फैसले बड़े होते हैं तो उसके बाद में वो कैसे मिलाना, क्या बात करनी, वो बात करें। विधायक चाहते हैं तो मुझे सभा के मुझे मिला हुआ देश के अंदर कि राजस्थान के अंदर कभी भी कोई भी विधायक आया हो पार्टी के अंदर, हॉर्स ट्रेडिंग कभी भी किसी रूप में नहीं हुई है, ना पद को लेके,
ना पैसे को लेके, ये मैं अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि हम 6-6 विधायकों को लेके आए हैं पार्टी के अंदर। किसी प्रकार की हॉस्टेडिंग ना चर्चा हुई ना वादा हुआ, और इसके लिए मैं 6 विधायकों को, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ कि उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व ऐसा है कि पार्टी इंटरेस्ट के अंदर कि राजस्थान में सरकार मजबूत रहे, स्टेबल गवर्नमेंट रहे, और बीजेपी और आरएसएस ये जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, कभी कर्नाटक की बात करते हैं, कभी मध्य प्रदेश की बात करते हैं, उसी रूप में राजस्थान की बात भी धीमे स्वर में आती थी, अरे गैप है वहाँ पर तब भी, और इतना धनबल उनके पास में वो कुछ भी कर सकते हैं, ये उनको एक घमंड है। उनके घमंड को चूर चूर करने के लिए मुझे आह्वान करना पड़ा, और मुझे खुशी है कि 6 विधायकों ने बिना कोई शर्त के पार्टी में मर्ज करना स्वीकार किया है। ये मीडिया के दिमागी ऊपर है, पहले 6 लोग आए थे तब किसी ने क्वेश्चन मुझसे नहीं किया, अब ये क्वेश्चन या तो आप लोग करते हैं या करवा जाते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल का सर विस्तार जो है मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, वो होने की संभावना जताई जा रही है, और 2 मुख्यमंत्री का फॉर्मूला भी सुझाया गया है। ये तमाम जो राजनीतिक फैसले हैं वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, होना नहीं होना, होना तो कब होना है, ये बातें कोई मीडिया के सामने करने की नहीं होती है। तो मीडिया के साथियों को ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए ऐसे काल्पनिक सवालों का मुख्यमंत्री आपके सामने जवाब दे। ये तो प्रोग्राम ऐसी दे रही है, पूरे देश को दे रही है, देश को दे रही है।